गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गुरु और शिष्य, एक बार महाभारत में जब महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने की बात कही गई थी आचार्य द्रोण के द्वारा, तो द्रुपद ने पूछा अर्जुन से, तुम कौन हो? तो अर्जुन ने उत्तर दिया था, मैं आचार्य द्रोण का शिष्य हूं। उसके पूछने पर कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है? तो अर्जुन ने कहा था, एक गुरु के नाम के अलावे शिष्य का और कोई दूसरा परिचय हो ही नहीं सकता। अब जरा देखिए, आज के युग में अगर किसी विद्यार्थी को कोई काम कह दिया जाए तो वो बोलते हैं, क्यों क्यों करें? तो जब तक ये क्यों रहेगा, तब तक रिलेशनशिप जो है वो वर्टिकल नहीं हो जाएगा। आशीर्वाद देना और आशीर्वाद लेना ये वर्टिकल रिलेशनशिप में, यानी एक बड़ा एक छोटा, एक ऊपर एक नीचे के बीच में ही पॉसिबल है। ऊपर वाला नीचे आ रहा है देने के लिए और नीचे वाला ऊपर जा रहा है लेने के लिए। नीचे वाला प्यासा है, कुएं के पास जा रहा है, ऊपर वाला महान है तो फल वाला वृक्ष बनकर नीचे झुक रहा है फल देने के लिए। इसको समझिए कि गुरु क्या है। ईश्वर वरदान देने से पहले गायब हो जाते हैं, वरदान देने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन गुरु वो होते हैं जिन पर सब कुछ नछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर को बांधने का मंत्र सिखा देते हैं, मंत्र सिद्धि देते हैं कि वो मंत्र पढ़ो ईश्वर बंधे चले आएंगे, प्रकट हो जाएंगे। भौतिक युग में इसको समझना संभव नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं, बेहद कठिन कहिए, संभव नहीं है ये दिखता है, लेकिन वास्तव में बेहद कठिन है, क्योंकि मन पे ही काबू नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार करे है मानी। अर्थात माता पिता और गुरु, माता पिता गुरु और प्रभु की आदेश या आज्ञा को बिना विचार किए हुए, बिना सोचे हुए मान लेनी चाहिए। ये विद्यार्थी है, ये भक्त है, ये पुत्र है। गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, गुरु का स्थान माता पिता से भी श्रेष्ठ बताया गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव,
अंत में कहा गया है, त्वमेव सर्वम मम देव देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी बड़ी बात कही गई है ना। पर आज के इस भौतिकवादी युग में चतुरों की चतुराई और बलवानों के बल ने विवेक का हरण कर लिया। विवेक रूपी सीता का दमन चक्र प्रारंभ हो चुका है। पर ये कोई नया कार्य नहीं है और मंगलकारी लक्षण नहीं है। भारत जाना जाता है संस्कारों के लिए, नीति वचनों के लिए। प्राचीनतम संस्कृति है, यहाँ गुरु को अनेक उपमाओं से सम्मानित किया गया है। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हो और गुरु के स्वर के स्वर से अधिक ऊंचे स्वर में प्रश्न पूछते हो, गुरु को दबा करके प्रश्न पूछते हो, उनके लिए कहना चाहेंगे कि सचिव वैद गुरु तंतीनी तो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तंतीनी तो वेगी हो ही नास। अर्थात महामंत्री चिकित्सक और गुरु जब राजा के डर से जब प्रिय बोलते हैं डर के मारे तो नाश ही देखने को मिलता है। अगर महामंत्री राजा के डर से प्रिय बोले तो राज्य का नाश देखने को मिलता है। अगर चिकित्सक रोगी के डर से प्रिय बोलते हैं तो उसके स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। और अगर कोई विद्यार्थी के डर से गुरु प्रिय बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, उसकी हामी हाँ में हाँ भरते हैं तो उस विद्यार्थी के भविष्य का नाश हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी लोग भी कई प्रकार के होते हैं। अगर कोई स्वार्थवश सेवा करता है तो उस पर बहुत ही सुंदर पंक्ति कही गई है भारतवर्ष के संस्कारों के पन्नों से। एक श्लोक एक पंक्ति और, फल कारण सेवा करे करे न मन से काम, फल कारण सेवा करे करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं को दिजे नाम। जो फल की इच्छा से सेवा करता हो वो मन से काम क्या करेगा। और वैसे बच्चे ही क्यों क्यों शब्द को सामने रखेंगे। और ऐसे लोग सेवक नहीं चाहे जो हो जाए, सेवक नहीं है। कोई भी नाम दीजिए इन्हें, सेवक नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुरु लोग भी आजकल धन लोभी हो गए हैं तो उनके लिए भी भारतीय संस्कृति में एक बात कही गई है, ज्ञाता है तो ज्ञान दे देह की दशा न जान, ज्ञाता है तो ज्ञान दे देह की दशा न जान।
अर्थात ज्ञाता जो होते हैं उन्हें ज्ञान देना चाहिए, न कि जाति कुल ये सब पूछ कर या धन को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। थोड़ा हम लोग आगे बढ़े तो एक शिक्षक को सरस्वती माँ की वंदना करनी चाहिए, सरस्वती माँ का भक्त होना चाहिए, और एक शिष्य को शिक्षक का भक्त होना चाहिए। मतभेद होते रहेंगे, शब्दों के खींचतान हमेशा रहेंगे, लेकिन कभी विषय में भाव नहीं बांटने चाहिए। एक मत से दूसरे मत को अपमानित नहीं करना चाहिए, पत्थरों में से मोती छाटने चाहिए। कुंदन होकर आग से निकलना चाहिए, हंस बनने चाहिए, बगुला नहीं बनने चाहिए। वैसे आते हैं भारतीय संस्कृति से एक और पंक्ति लेकर, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। अर्थात जो किसी चीज को पाने की लालसा रखते हो और कोई गुस्सैल हो बात बात पे, तुम्हें चुप करो, डराने वाले हो या टीचर का अपमान कर देने वाले हो, ग्रुपिंग करने वाले बच्चे हो या कोई लालची व्यक्ति हो, उनसे भक्ति नहीं हो सकती। चाहे किसी भी मंदिर का पुजारी हो या कोई भी हो, अगर वो लालची है तो उनसे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई वीर करता है, कोई महापुरुष करता है, जाति वर्ण और कुल को होकर के, जैसे रामानंद जी ने की थी, कबीरदास को भी अपनाया और वाहेगुरु को भी, नानक जी को भी अपनाया। आज भी वही श्लोक, वही भारतीय संस्कृति की पंक्ति को दोहरा करके अपने वक्तव्य का समापन करना चाहूंगा, जो हमेशा से सटीक बैठती है गुरु शिष्य परंपरा के लिए। आरुणी, कबीर, दानवीर, कर्ण, अर्जुन, एकलव्य, इस किसका नाम ले, सब ने गुरु की महिमा गाई है। राम और कृष्ण तक ने गुरु की महिमा गाई है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता।